Pakistan would take all possible steps at the diplomatic level to expose India's role in the breakup of East Pakistan in 71. उसका जो हमारा जवाब आया है, माजरत खाहाना जवाब, उससे भी मुझे हैरानी हुई है। और अपीजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल सामने लेट जाएं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, यूं तो जब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कभी ताल्लुकात नॉर्मल हो ही नहीं सके। एक अजीबोगरीब सी तनाव की कैफियत है जो बढ़ती चली जा रही है। लेकिन गुज़िश्ता 48 घंटे में तो बहुत ही अजीब सूरत हाल हो गई। पहले मोदी साहब ने बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश बनाने का सेहरा लिया, उसको अपनी एक तरह से हिंदुस्तान की अचीवमेंट बताया और कहा, और साथ ही कहा कि पाकिस्तान खित्ते में दहशतगर्दी मचा रहा है। उसके बाद हिंदुस्तान ने एक कमांडो रेड ऑपरेशन किया मणिपुर की रियासत के साथ, बर्मा की सरहद के अंदर हिंदुस्तानी रेबल्स पे, और उसके बाद हिंदुस्तान के वजीरों ने यह कहना शुरू कर दिया कि खित्ते में किसी भी मुल्क के साथ जहां भारत समझता है कि दहशतगर्दी है, इसी किस्म से उसका जो है इसी किस्म से ट्रीटमेंट जो है वो किया जाएगा। जवाबन पाकिस्तान के वजीर दाखिला चौधरी निसार का ये कहना था कि पाकिस्तान बर्मा नहीं है। वजीर आजम नवाज शरीफ का ये कहना है कि वो मायूस हुए हैं इंडियन लीडरशिप के रवैये से, और पाकिस्तान की मिलिट्री चीफ ने आज फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग के बाद ये कहा, उस मीटिंग के बाद ऑफिशियली तौर पर यह कहा गया कि पाकिस्तान किसी भी किस्म के एडवेंचरिज्म का बड़ा अप्रोप्रिएट, बड़ा बिफिटिंग रिस्पॉन्स देगा। तो लगता ऐसे है कि बगैर किसी जवाब के, बगैर किसी सॉलिड रीजन के, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इस खत्ते में एक वॉर ऑफ वर्ड्स की सी कैफियत जो है वो डेवलप हो रही है। इसकी वजह क्या है, पाकिस्तान को करना क्या चाहिए, इस पर सबसे पहले हम बात करेंगे आज इस नशस्त में। मेरे साथ हैं पाकिस्तान के साबका सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनरल साहब, आपको क्या समझ आई है, आप तो हेल्प ऑफ अफेयर्स में रहे हैं, ये क्या करना चाह रही है मोदी सरकार? देखें, देयर इज नो डाउट, कोई शक शुबा नहीं है, वो उन्होंने सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक ये एक जारियाना एटीट्यूड, जारियाना रवैया पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक ये कर रहे हैं। कोई ये नहीं कोई एडहॉक तरीके से कर रहे हैं, बड़े सोच के ये कर रहे हैं। अब मकसद क्या है उसका, उनका मकसद बिल्कुल क्लियर है, हमें दबाना और हमें डिस्टेबलाइज करना, ये उनके मकसद हैं। और बिल्कुल क्लियर है ये, जब से ये जो हमारे अंदरूनी मुदाखलत कर रहे हैं बलूचिस्तान में फ्रंटियर में, और जो वहाँ वो ईस्ट पाकिस्तान पहले 71 में, अब बांग्लादेश, उधर उन्होंने कहा है कि उन्होंने किया है, कहने की क्या ज़रूरत है, हमें मालूम है उन्होंने क्या किया है। और फिर कह रहे हैं कि ये हम और जगह भी पाकिस्तान में भी ये कर सकते हैं। फिर वो कह रहे हैं वहाँ बर्मा में जो उन्होंने एक्शन किया है कमांडो रेड, और वो कह रहे हैं वो पाकिस्तान में भी ये कर सकते हैं। यानी ये क्या, इनके इसमें कोई शक है, इसमें कोई शक है कि वो हमें दबाना चाह रहे हैं। जिसको आप दबाना कहते हैं जनरल साहब, इस वक्त एक पाकिस्तान में एक थ्योरी पेश की जा रही है जिसको जुलाई थ्योरी कहते हैं। वो कहते हैं कि जुलाई के महीने में गालिबन अमेरिका और ईरान के दरमियान एक न्यूक्लियर डील तय पाएगी, जिसके तहत ईरान ये कमिटमेंट करेगा कि वो अब न्यूक्लियर नहीं बनेगा या उसको प्रोग्राम को 10 बरस के लिए फ्रीज करेगा। हिंदुस्तान को कहीं से ये इशारा आ रहा है कि पाकिस्तान के साथ टेंशन को रेस्टेट अप किया जाए ताकि पाकिस्तान को मजबूर किया जाए, या एक रिवर्स लाइक सिचुएशन भी पैदा की जा सकती है पाकिस्तान की किसी छोटी सी टेरिटरी के अंदर या आजाद कश्मीर में, ताकि पाकिस्तान को न्यूक्लियर ब्रिंक्समैनशिप पे मजबूर किया जाए और दुनिया के सामने और अक्वामे मुत्तहिदा के सामने ये केस बिल्डअप किया जाए कि पाकिस्तान एक इर्रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है जो न्यूक्लियर ब्रिंक्समैनशिप करता है। यानी देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं। नाउ ये जो ये आप कह रहे हैं ये थ्योरी के वो रैचेट अप कर रहे हैं सिचुएशन को जान के ताकि हमें एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट डिक्लेयर किया जाए, वो तो उनके मकासद होंगे, लेकिन हमें तो अपना देखना है। देखें जी, हमारे पास बहुत बड़ी आर्म्ड फोर्सेस हैं, इसका मकसद इनको मेंटेन करना, इनका मकसद ऑब्वियसली डिटरेंस, हम नहीं चाहते जंग करना, हम अपनी हमारी स्ट्रैटेजी एक डिफेंसिव डिटरेंस स्ट्रैटेजी है, और फिर हम एक न्यूक्लियर ताकत में है, हम इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। कोई शख्स इन हिज राइट माइंड ये नहीं कहेगा कि हमें न्यूक्लियर अपनी कैपेबिलिटी हम इस्तेमाल करें, लेकिन
थिंग स्टॉप देयर. अगर हमारा वजूद खतरे में आता है तो हमने ये न्यूक्लियर एसेट्स और हमने इतनी बड़ी आर्म फोर्सेस किसके लिए रखा हुआ है? वो मैं क्रूड लैंग्वेज में मैं मुझे चौधरी शुजात के अल्फाज याद आ रहे हैं कि हमें कोई शब बरात में इस्तेमाल करने के लिए रखे हुए हैं. ये पॉइंट ये है कि ये तो है ही डिटरेंस. दे आर मेंट फॉर डिटरेंस और हमने डिटर करना है. हमारे ऊपर हमला मत करो, हमें रहने दो, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को चैलेंज मत करो क्योंकि हम छोटी ताकत नहीं है, हम अच्छी बड़ी बली बड़ी ताकत है, हम एक न्यूक्लियर ताकत है. आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इंडियन जो रेटरिक है उसके जवाब में पाकिस्तान को भी इसी तरह से रेटरिक इस्तेमाल करना चाहिए जिस तरह से आज हम कर रहे हैं? मिलिट्री चीफ भी बोल रहे हैं, ऑपोजिशन लीडर भी. देखें, मैंने मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस वो यही है, आप इनसे दबे तो ये दबा कर आपके सर पे दबाना और दबाएंगे. मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस डील विद देम, इनको बिल्कुल सॉवरेन इक्वालिटी के साथ डील करें और इनसे बिल्कुल ये कहना कि अब ये दबा रहे हैं और हम और यतीम बन के इनके सामने झुक जाएं और इनकी बातों को एक तरफ से खुद एग्रेसिव स्टांस एक बेलिजरेंस दिखा रहे हैं, एक ऑफेंसिव स्टांस लिया हुआ है कि हम आपके ऊपर अटैक करेंगे, यानी फिर हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप रैचेट अप कर रहे हैं इसे. भाई कोई क्या हमें बेवकूफ बना रहे हो? हम कोई बेवकूफ है? हमें समझ नहीं है इन चीजों की? वो खुद कर रहे हो, बांग्लादेश में जाकर 71 की तस्वीरें दिखा रहे हो, ऊपर से ये बातें कर रहे हो कि हम आकर अटैक भी करेंगे अक्रॉस द बॉर्डर. तो ये क्या मतलब है? तो जाहिर है हम अब लेकिन फोर्स कर रहे हैं टू रिस्पॉन्ड. हम बिल्कुल रैचेट अप नहीं कर रहे हैं. आपने खुद, जब से मोदी साहब आए हैं वो खुद रैचेट अप कर रहे हैं. आपने खुद कहा राइट एट दी आउटसाइड, आपने कहा कि ये कोई एडहॉक बेसिस पे नहीं हो रहा, ये एक सोचा समझा मंसूबा है. अगर सोचा समझा मंसूबा है ही यही कि पाकिस्तान को प्रोवोकेशन पे मजबूर किया जाए तो फिर हमारी तरफ से कोई और स्ट्रेटजी होनी चाहिए ना? फिर वॉर ऑफ वर्ड्स तो नहीं है? देखिए, हमें एंड गेम का क्लियर पता होना चाहिए. क्या आप समझते हैं कि अगर ये यूं बोल रहे हैं और हम ये जो हमारी रिस्पांस स्ट्रांग आती है, क्या उससे ये होगा कि वो हमारे ऊपर खुदा ना खास्ता कोई आकर हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खराब ख़त्म कर देंगे, हमें दबा कर ये हमारी जो पोटेंशियल है उसको ख़त्म कर देंगे? ये हमें पता होना चाहिए. हमें अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, खुद एतमादी होनी चाहिए कि ये नहीं हो सकेगा. और अगर उनका गेम ये है कि इसको रैचेट अप करो ताकि पाकिस्तान को मेलाइन किया जाए, उसके बाद इनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को निकाल दिया जाए, ये नहीं हो सकेगा. हम नहीं होने देंगे जलसा. तो ये एंड गेम उनका नहीं होने देंगे. हम जलसा बेशक रैचेट अप करें अब जब हम करेंगे ये नहीं होने देंगे हम. अब अगर इसके मुकाबले में हम बिल्कुल बाउ डाउन कर जाते हैं उनकी बातों पे और कोई रिस्पांस नहीं करते हैं तो मेरी बिलीफ ये है कि वो और सर पे चढ़ से चले जाएंगे जो कर रहे हैं वो. तो इसलिए मेरी तो बिलीफ बिल्कुल क्लियर है कि इसकी रिस्पॉन्स उतनी ताकत के साथ उतनी स्ट्रांगली होनी चाहिए. हम एक कमजोर मुल्क नहीं है, हम एक सॉवरेन इक्वालिटी, अपनी ऑनर एंड डिग्निटी भी होती है. देखिए हमारी एक इज्जत भी है कि नहीं है? क्या हम बेइज्जत करवाना चाहते हैं अपना आपको? एक मुल्क है जो हमें उसके मुल्क का सरबरा प्राइम मिनिस्टर हमें सब कुछ कहना है कह रहा है और हम अपने ढीले ढाले अल्फाज में कमजोर अल्फाज में कहना चाहिए के जी कहीं वो और ज्यादा हमें मार ना दे आकर. आप नहीं मार सकता. आप क्या समझते हैं कि फिर ये जो हमारी तरफ से रिस्पॉन्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के लेवल से आना चाहिए, ये चौधरी निसार की तरफ से जो लैंग्वेज है वो बहुत है, ये मिलिट्री चीफ की तरफ से आना चाहिए, क्या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग वर्डेड जवाब आना चाहिए? मेरे ख्याल में बिल्कुल आना चाहिए. प्राइम मिनिस्टर का जवाब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आना चाहिए, लेकिन आर्मी चीफ की तरफ से भी आना चाहिए क्योंकि मिलिट्री बातें कर रहे हैं. वो मिलिट्री की बातें कर रहे हैं, वो अटैक्स की बातें कर रहे हैं. तो बिल्कुल आर्मी चीफ की तरफ से भी अगर आता है तो बिल्कुल जायज है और बिल्कुल सही है.
अच्छा जल साहब, बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने का, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी आपने देखा हमने बात की पाकिस्तान के साबका सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब से, जो कि एक्सप्लेन कर रहे थे कि पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स इसमें देना चाहिए, अगर स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो भारत ज़्यादा एनकरेज फील करेगा और ढीली ढाली लैंग्वेज से और से बात जो है वो नहीं चलेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और अपने पैनल के साथ इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्फे से पहले आपने देखा कि हमने बात की जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब से, पाकिस्तान के साबका सदर, जो कह रहे थे कि अगर भारत की जो रेटरिक है और अगर भारत की जो धमकियां हैं उसके जवाब में पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इख्तियार नहीं करेगा, अज़म नहीं शो करेगा, तो भारत ज़्यादा इनकरेज फील करेगा किसी मिस एडवेंचर की तरफ। अब हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है जनाब सैनेटर तारिक अजीम साहब ने, हुक्मरान जमात से उनका ताल्लुक है, जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साबका सरबरा इंटर सर्विसज इंटेलिजेंस हमारे साथ हैं वाया फ़ोन, और हमें कल लाहौर से ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हनुमा जनाब एजाज चौधरी साहब ने। जनरल साहब से मैं बात का आगाज करता हूँ। जनरल साहब, आपको क्या समझ आ रही है कि भारत इस वॉर ऑफ वर्ड्स को पैदा करके, जबकि कोई सॉलिड रीजन है नहीं इस वक्त बरे सगीर में, क्या अचीव करना चाहता है? कुछ भी नहीं सिवाय इसके नरेंद्र मोदी को अंदर इंटरनल प्रेशर बहुत ज्यादा है। जो आरएसएस का एजेंडा है कश्मीर में वो नाकाम होता हुआ नजर आ रहा था। उन्होंने तो कहा था कि हम वहां पे आर्टिकल 370 खत्म करते हैं, तो उसका कोई दूर दूर इम्कान नहीं है। कश्मीर में तहरीक इतने जोरों पे उठ गई है कि अब अमलन उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि इलाके पाकिस्तान का, यानी आए दिन पाकिस्तान के झंडे लहरा के पहली दफा वो ये ऐलान कर रहे हैं कि वी वॉन्ट टू ज्वाइन पाकिस्तान। तो इसका मतलब है कि एक फैसला आ चुका। अब ये इससे काफी है उनकी घबराहट पैदा करने के लिए। दूसरा, जो चाइना का आपका राहदारी का सिलसिला है, हालांकि उसको भारत को उसमें बहुत फायदा पहुंचता है अगर वो कश्मीर का मसला सही हल कर दे, तो 1.3 बिलियन पीपल जो है वो चाइना के लिए भी एक बड़ी मार्केट है और खुद भारत के लोगों को भी बहुत फायदा पहुंचेगा। लेकिन उनको पता है कि पाकिस्तान जब तक के कश्मीर का फैसला नहीं होगा ये अलाउ नहीं करेगा। और दूसरी बात ये है कि अब नरेंद्र मोदी जो हैं वो उस रास्ते पे चल रहे हैं जहां गांधी जी को नथुराम गौडसे ने उड़ा दिया था। वो आपने पढ़ी होगा उनका नथुराम गौडसे का वाक्या था। जी जी बिल्कुल। तो नरेंद्र मोदी को अंदर से डर है कि अगर वो रेटरिक नहीं करेगा तो कोई सुषमा स्वराज और कोई ये दूसरे जो हैं जो अजीत डोवल वगैरह और अरुण जेटली और ये तमाम वो लोग हैं जो आरएसएस से मुतालिक हैं, जो उनकी बेसिक कॉन्स्टिट्यूंसी है, और दे नो इट के जो नरेंद्र मोदी ने अगर डेवलपमेंट का एजेंडा लेके आना है तो फिर इसका यह मतलब है कि नरेंद्र मोदी चाहता है कि टेंशन कम हो। सो बुनियादी तौर पे जनरल साहब, आप समझते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर इस किस्म के सियासी प्रेशर्स हैं, दबाव हैं, इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं, पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी साहब की एक रेटरिक को रैचअप कर रही है, इससे ज्यादा आपको कोई बड़ी चीज यहां पे नजर नहीं आती? आप नहीं समझते कि भारत फ्रस्ट्रेटेड है और कोई स्ट्रेटेजिक मूव करना चाहता है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक चाइना कॉरिडोर की वजह से, ज़रबे अज़ब की वजह से जो एक भारतीय सपोर्टेड प्रॉक्सीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती चली जा रही है और पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो अपने लिए स्पेस पैदा कर रहा है, ये तीन फैक्टर्स जो है ये भारत को परेशान कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो तारीख का धारा है वो पाकिस्तान के हक में बह रहा है। इकोनॉमिकली भी चाइना कॉरिडोर के साथ जो है उसकी वजह से जो प्रॉस्पेक्ट्स पैदा हो रहे हैं, और दूसरा ये है कि हमने जिस तरीके से डील किया है, कराची ऑपरेशन हो या बलूचिस्तान ऑपरेशन हो, हमने उनको, क्योंकि अरुण जेटली साहब तो ये जो अजीत डोवल साहब तो कह चुके थे कि अगर कश्मीर से हाथ ना उठाया तो फिर आप बलूचिस्तान से हाथ धो बैठेंगे, लेकिन ये होता नजर नहीं आ रहा। ना कश्मीर उनकी तरफ जा रहा है और ना ऐसा मुमकिन है, तो इसलिए अब सूरत हाल बिल्कुल उनके बरक्स जा रही है और नरेंद्र मोदी को इंटरनल प्रेशर है। देखे ना, गुजश्ता साल 1,58,000 लोगों ने खुदकुशी की, फार्मर्स ने, कोई मामूली चीज है के, और इस साल 1500 सिर्फ महाराष्ट्र में 1500 फार्मर्स ने खुदकुशी की। किस बुनियाद के ऊपर? कि उनकी जमीनें ये हथियाई जा रही हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, तो लिहाजा इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो कॉरपोरेट अमेरिका का इंटरेस्ट था, जो कॉरपोरेट इंडिया का इंटरेस्ट था, वो सारे का सारा कॉम्प्रोमाइज होता हुआ नजर आता है। तो तमाम एजेंडा जो है, अब दूसरा ये है कि चाइना के साथ वो बॉर्डर की सेटलमेंट थी तो चाइना ने तो बिल्कुल सब लाल झंडी दिखा दी,
अरुणा प्रदेश के ऊपर भी उन्होंने लाल झंडी दिखा दी, उन्होंने दिखाया कि ये हमारा इलाका है। ठीक। और फिर अच्छा, कश्मीर के मैं जल सर मैं फिर आपकी तरफ आता हूँ, मेरे साथ रहिए, मैं फिर आपकी तरफ आता हूँ। बड़े इंटरेस्टिंग मेरे पास और भी चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप उस पर कॉमेंट कर सकें, लेकिन एजाज चौधरी साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ और तारिक अजीम साहब सनर साहब भी सुन रहे हैं। मैं आपको एक टुकड़ा दिखाना चाहता हूँ छोटा सा, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज बहुत तफसील से हिंदुस्तान के इस इशू पे और उनकी स्टेटमेंट्स के हवाले से मीडिया से बात की, और उनका कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान का रिस्पॉन्स, फॉरन ऑफिस का रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही अफसोसनाक है। ये छोटा सा टुकड़ा मैं आपको सुनाऊं और मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ऐसा आपकी पार्टी क्यों कहती है। उसका जो हमारा जवाब आया है, माजरत खाहाना जवाब, उससे भी मुझे हैरानी हुई है। और अपीजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल सामने लेट जाएं। अपीजमेंट का शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि अपीजमेंट का ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल सामने लेट जाएं। एजाज चौधरी साहब, ये आपकी जमात जो इस तरह की बात कर रही है, क्या चाहते हैं आप क्या चाह रहे हैं कि क्या करें प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ? शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहली बात तो ये देखिए कि भारत का पूरे 68 बरस जब पाकिस्तान जब से बना है तो उसका रवैया एक खास नौइयत का हमेशा से रहा है, लेकिन ये जब नरेंद्र मोदी इंतखाब जीते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उनकी सारी इलेक्शन कैंपेन के अंदर जो हिंदू बुनियाद परस्ती का सबक था वो अंडर करंट्स के तौर पे पूरे भारत के अंदर चलता रहा है, और जो वो उनका तसव्वुर है हिंदुत्वा के पूरे हिंदुओं को यानी पूरे दुनिया के ऊपर उनकी हुक्मरानी होनी चाहिए, आरएसएस का मेंबर होने के नाते से मोदी साहब खुद उसके पैरोकार हैं, उसके प्रचारक हैं, और वो किसी सूरत में भी पाकिस्तान के वजूद को बर्दाश्त नहीं करते। सिर्फ बर्दाश्त ही नहीं करते बल्कि बांग्लादेश जाकर हसीना वाजिद के साथ उन्होंने इंगेख्त किया है, उन्होंने प्रवोक किया है पाकिस्तान नेशन को, पाकिस्तान फोर्सेस को, और पूरी आलमी बरादरी के सामने हमें निक्कू दिखाने की कोशिश की है। इसलिए ये बात तो हो गई है, ये तो सब कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी क्या चाहती है कि वजीर आजम नवाज शरीफ उनकी पार्टी क्या करे? जी मैं आपको बताता हूँ, तहरीके इंसाफ ये चाहती है कि महज अल्फाज की जंग ना की जाए। भारत ने आबी जारहियत की, हम उस केस को भी हार गए, भारत ने हमारी यानी ये सरहदी उसके ऊपर सियालकोट से लेकर और दूर तक उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की, बम्बार्टमेंट की, हमने कोई खातर खा जवाब नहीं दिया। दो हुकूमतें रिकॉर्ड के ऊपर हैं कि बलूचिस्तान के अंदर और कराची के अंदर, और तीन हुकूमतें रिकॉर्ड के ऊपर हैं कि पूरी 1400 किलोमीटर की अफगानिस्तान की सरहद के परली तरफ कौंसल खाने खोल के, तो पाकिस्तान के अंदर वो हर खराब कार्रवाई। आप कहते हैं कि सिर्फ अल्फाजों की जंग ना की जाए, तो आप क्या चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ हुकूमत फैसला हमला कर दे हिंदुस्तान? और नहीं, देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूं, क्या नरेंद्र मोदी ने हमला किया हमारे ऊपर? हमें सबसे पहले आलमी बरादरी को यह वाजे करना है कि भारत का यह जारहाना रवैया, भारत का पाकिस्तान के मामलात के अंदर मुदाखलत, भारत का पाकिस्तान के इलाकों के अंदर दहशतगर्दी, ये जिस तरह वो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की पिक्चर पेंट करता है कि दहशतगर्द हैं, यहां पर वो स्ट्राइक्स करने के लिए तैयार था। तो इसका जवाब देना, जरा रुके जी, कैसे आपने सुन लिया उनको, व्हाट्स योर रिस्पॉन्स? मेरे ख्याल शायद अभी तक एजाज चौधरी साहब के पास तो खबर नहीं पहुंची जो इस सरताज अजीज साहब ने आज जो बात की है। देखिए उनका ख्याल है कि सरताज अजीज साहब को नहीं, वजीर आजम साहब को स्ट्रॉन्ग। देखिए वहां से भी अभी वजीर आजम साहब ने तो एक और बयान दिया था ना, उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं, जो उन्होंने बात कही थी, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे अखबार में आपको लेके आया था साथ, कि ये एक पुरानी खबर थी 44 साल पहले के, पता चला था कि इंडियन आर्मी जो है डिस्गाइज कर, ये हम दिखाएंगे बिल्कुल, तो मैंने कलेक्ट करते रखा हुआ इसलिए कि भी किसी वक्त एक जरूरत पड़ेगी। पहले ये झूठ बोलते रहे हैं कि जी हमारे ये सारी इंडिजिनस वहां पे अपराइजिंग थी और इसमें हमारा कोई दखल नहीं था। नहीं, आपकी हुकूमत को क्या करना है इस वक्त? तो देखिए हमारा, हम चाहते हैं कि हम पीसफुली रहें अपने सारे नेबर्स का, नवाशीर साहब इससे बारहा कह चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो ये पीसफुल रहने की या अमन की हमारी जो पसंदी है उसको ये हमें कमजोरी समझा जाए। हमारे इस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी आर्मी है हमारे पास जो कि हमारी सरहदों की बड़ी खूबी हिफाजत कर सकती है। और जहाँ से सब कह रहे हैं कि हमने उनका जवाब नहीं दिया, भरपूर जवाब दिया गया, उनको पछतावा करने में मजबूर हो गए वो लोग। बिल्कुल आज अगर दोबारा किसी किस्म की एडवेंचरिज्म करेंगे तो जो हमारे आज जो कर्नल साहब हैं, कर्नल राठौर साहब जिन्होंने बात की है, वो बखूबी जानते हैं उसका क्या रिजल्ट होगा। अच्छा आप समझते हैं, ठीक है मेरे साथ ये नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, हम जनरल हमीद गुल साहब भी हमारे साथ हैं, मेरे पास बहुत दिलचस्प क्वेश्चन हैं उनसे पूछने के लिए आफ्टर द ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक। हुकूमत ने क्या किया और क्या नहीं किया और क्या करना चाहिए, इस पर तो हम फिर आते हैं, लेकिन पहले मैं चलता हूं जनरल रायड हमीदुल साहब की तरफ। जनरल साहब, मैंने हेनरिक किसिंजर की जो लेटेस्ट किताब है दी वर्ल्ड ऑर्डर, जिसको बहुत लोगों ने पढ़ा है और मैं समझता हूं कि शायद आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, उसमें एक जगह मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ पढ़ी। वो कहता है कि 1949 में जब सोवियत यूनियन ने दूसरी जंग अजीम के बाद एटमी धमाके किए और सोवियत यूनियन एक न्यूक्लियर पावर बना, तो जो भी डेवलपमेंट हुई वो सोवियत यूनियन के बॉर्डर्स के अंदर हुई। उसके बावजूद दुनिया का जो ग्लोबल ऑर्डर था, जो वेस्टर्न डोमिनेटेड ग्लोबल ऑर्डर था, जो अमेरिकन और उसके वेस्टर्न अलायंस का डोमिनेटेड ग्लोबल ऑर्डर था, वो सारा का सारा यकसर बदल गया और सोवियत यूनियन के साथ अमेरिका को एक डिफरेंट किस्म की बार्गेनिंग जो थी वो करनी पड़ गई। अब मेरा यहां पे इस्तदलाल ये है कि पाकिस्तान ने दो चीजें कम से कम ऐसी की हैं अपने बॉर्डर्स के अंदर। एक, पाकिस्तान ने ज़र्बे अज़ब के नतीजे में जो फॉरेन सपोर्टेड प्रॉक्सीज थे उनको कमजोर कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि इनकी बिल्कुल कमर टूटती चली जा रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की डेप्थ ऑफ बार्गेनिंग पोजीशन जो है वो बेहतर हो रही है। दूसरा यह है कि पाकिस्तान ने टेबल पे पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर रख के उस पैराडाइम को बिल्कुल फेल कर दिया, नाकाम कर दिया, एक अल्टरनेट थ्योरी रख दी है, क्योंकि 2008 के बाद से अमरीकी और हिंदुस्तानी और पाकिस्तान के अपने सिविल सोसाइटी के लोग मसलसल ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के पास अब कोई ऑप्शन नहीं मां सवा इसके कि हिंदुस्तान की इंडस्ट्री और इकोनॉमी यहां आके इन्वेस्ट करे, सेंट्रल एशिया तक उनको एक्सेस दें, हम उनकी पावर ग्रिड का हिस्सा बन जाए। सो ऑल ऑफ सडनली पाकिस्तान ने उस इकोनॉमिक पैराडाइम को टर्न अराउंड कर दिया। क्या आप समझते हैं कि इन दोनों चीजों की वजह से हिंदुस्तान के अंदर एक स्ट्रेंज स्ट्रेटेजिक फ्रस्ट्रेशन पाई जाती? जी, मैं आपको बताऊं कि इसके ऊपर हेनरी किसिंजर की दूसरी किताब जिसका आपने जिक्र किया है, उसने कहा है कि आइंदा वर्ल्ड ऑर्डर तामीर ही नहीं हो सकता जब तक कि आप इस्लाम को कंफ्यूशनिज्म को इकट्ठा नहीं करेंगे, और इसके अंदर वैल्यूज जो है बहुत कतरी और वो हो गए। यानी जो चाइना का इकोनॉमिक ऑफेंसिव है इस साउथ में, और जो पाकिस्तान ने चाइना को एक लीप दिया है इनटू द गल्फ, जिसके ऊपर कोई तारीख में मिसाल नहीं मिलती कि कभी भी सेंट्रल एशियन बेस्ड पावर को अचानक एक वार्म वाटर पे पहुंचने के लिए शॉर्टकट बिल्कुल दे दिया जाए, जिससे वो मुड़ सकते हैं, अफ्रीका की तरफ भी जा सकते हैं और फिर बाबुल मंदिर से गुजर के सुएज कैनाल करके मेडिटेरेनियन में दे के रीच यूरोप इन नो टाइम एट ऑल, और एनर्जी से जितने रिसोर्सेज हैं वो सब उनको अवेलेबल हो जाते हैं, जिसमें पाकिस्तान एक लामहाला बहुत बड़ा शेयर होगा। तो अब भारत के पास कोई रास्ता नहीं है, और भारत जो अब ये बुखला के और बॉर्डर को क्रॉस कर रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इतनी बड़ी गलती है बर्मा के अंदर अटैक करना का। आपको पता है कि बर्मा बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, क्योंकि एक और चोक पॉइंट है जिसको हम स्टेट्स ऑफ मलाका कहते हैं, और बर्मा के अंदर हमेशा वो मिलिट्री जनता को चाइना सपोर्ट करता रहा है, एवरीबडी नोज दैट। और जनरल सर, ये आपने बड़ी दिलचस्प आपने बात की, माई सेल्फ बीइंग अ कीन स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, गुज़श्ता 300 बरस में किसी सेंट्रल एशियन पावर को अरेबियन सी तक एक्सेस नहीं मिल सकी। 300 साल की जो जंगो जदल हुई है उसमें अरेबियन सी तक पहुंचने की कोशिश थी, लेकिन अगर चीन को ये एक्सेस मिलती है और बैलेंस ऑफ पावर में फर्क पड़ता है, तो भारत और अमरीका इसको होने तो नहीं देंगे, और ये जो मौजूदा टेंशन हो रही है जाहिर है वो कोशिश करेंगे इसको रोकें। अमेरिका मेरा ख्याल है इतनी बड़ी दिलचस्पी नहीं रखता, इसलिए कि वो देयर, अभी आपने एक और किताब पढ़ रही हूँ जॉर्ज फ्रीडमैन की, जिसमें वो नेक्स्ट डेकेड उसका नाम, उस नेक्स्ट डेकेड में वो कहता है कि भारत जो है वो अपना उसका एक अजीब फॉल्स सेल्फ इमेज है और उसके ऊपर आप ना डिपेंड करें, और नरेंद्र मोदी जो है वो इसको को प्रमोट कर रहा है, तो इसलिए नरेंद्र मोदी हमारे लिए नहीं, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस को उजागर करता है, और अशरफ गनी को अगर पाकिस्तान की तरफ उसने झुकाव किया तो अमेरिका के कहने के ऊपर किया। अमेरिका अब कहता है कि वी आर डेवलपिंग ए पिवट टू द ईस्ट, दैट मीन, और इंडिया ने उसके ऊपर कहा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो हम कहते थे कि लुक ईस्ट पॉलिसी, उसको उन्होंने मॉडिफाई करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाया है। अब वियतनाम के साथ तल्लुकात बढ़ाए जा रहे हैं। मैं समझ गया जनरल साहब, मुझे दोनों गेस्ट को इसमें लेके आने दीजिए। इजाज़ चौधरी साहब, अगर चीजें इतनी बड़ी और पेचीदा हैं, तो आप जो स्टैंड ले रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को तो हमला ही कर देना चाहिए हिंदुस्तान पे, अब आपका क्या मौकफ? मेरा ख्याल है किसी लम्हे भी आप ये नतीजा नहीं निकाल सकते कि शाह महमूद कुरैश साहब की बात का ये मकसद है। मेरा ख्याल है वो भी वजीर खारजा रहे हैं और उन्हें मालूम है कि मुल्कों और कौमों के दरमियान जो गुफ्तगू का तरीक़ाकार होता है, सफारती आदाब जो होते हैं उसके मुताबिक ही चला जा सकता है।
मैं जो बात समझा हूं नहीं तो फिर ये लेट जाना अपीसमेंट का मतलब लेट जाना वो क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूं, आपको मालूम है कि नवाज शरीफ साहब से जो बिल्कुल आगाज में एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ जब ये खुद भारत तशरीफ ले गए तो पूरे पाकिस्तान के अंदर ये तासर गया कि ये मुल्की सतह की कोई सफारतकारी करने की बजाय शायद अपना कोई कारोबार वगैरह जमाना चाहते हैं वहां पर, और इस पर बहुत ले दे हुई हमारे प्रेस के अंदर। चुनाचे ये बिल्कुल बात वाजे है। जरा सी एक नजरी बात मुझे कह लेने दीजिए, जनरल साहब जी तारिक साहब भी रिस्पांस के लिए तैयार है, तारिक अजीम साहब जी मशरकी साबिक मशरकी पाकिस्तान के बाशिंदों को गुज़श्ता एक साल के अंदर भारत के बांग्लादेश के अंदर फांसियां दी गई। जाहिर है हम पाकिस्तान है ना, तो हमारा जो बड़ा ब्लीक उसके ऊपर रिएक्शन था कमजोर सा, उसने हमारी बुनियादों को भी हिला के रख दिया था। तब भी जरा तारिक अजीम साहब का ले लें मोदी सरकार को ये जुरत पैदा हुई, ये जुरत पैदा हुई कि वो ढाका में जाएं और असलिया वाइस देखें कि वो कहते हैं आपका वीक रिस्पांस उनको एनकरेज करता है। जी बिल्कुल कोई भी रिस्पांस नहीं है हमारा। उन्होंने एग्जांपल दिया आपको कि फांसियां वो दे रहे थे, आपको स्टैंड लेना चाहिए था। देखिए बात की इन्होंने कि प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पर तशरीफ लेके गए, हमारी कमजोरी थी वहां पे। देखिए सारे कंट्री हेड्स को उन्होंने इनवाइट किया, फॉरेन मिनिस्टर को भेज सबको नहीं। देखिए सारे हेड्स ऑफ द स्टेट्स जा रहे थे वहां पे, हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट जा रहे थे। हम ना गवर्नमेंट आए सर, जैसा अगर हम ना जाते तो वो देखा जाता कि हम जानबूझ के पंगा ले रहे हैं, नहीं लेना चाहिए। हम चाहते हैं पीस की बात करते हैं, वहां पर हमें इन्वाइट किया गया, हम नहीं गए। वो सब सार्क कंट्रीज वहां पर गए थे, लेकिन उसमें कोई ऐसी बात नहीं। मेरा ख्याल हर चीज पे जाके पॉलिटिक्स नहीं खेलनी चाहिए, या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बात हो रही हो, आई थिंक वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर प्राइम मिनिस्टर बुलाते हैं सारे सार्क लीडरशिप को तो क्या हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर यहां आते? अगर प्राइम मिनिस्टर साहब बुलाते हैं सारे सार्क कंट्री के हेड को, इंडिया नहीं आता तो इंडिया पे बात जाएगी ना कि इंडिया नहीं आना चाहता। इंडिया जो है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के बाद उसके बाद वो आया ही नहीं पाकिस्तान, उन्होंने उस विजिट को एक्सेप्ट ही नहीं किया नरेंद्र मोदी। देखिए जी उसमें जो तो इंडिया की जो है ये तो इंडिया को शो करता है ना कि इंडिया की वार मॉन्गरिंग या इंडिया का जिंगोइज्म जो है उसको शो करता है ना। हमारी तरफ से हम बात करें अमन की बात करें, इससे पहले बात हो रही थी तो कह रहे हैं कि आपका रिस्पांस ना काफी है। क्यों चाहता है? देखिए बहुत बड़ी ये जो हमारी डेवलपमेंट हुई है 46 बिलियन की सीपैक की जो बात हो रही है वहां पे इंडिया डज नॉट वांट इट, बिकॉज रियलाइज करता है कि गेम चेंजर साबित हो सकता है जो इंशाल्लाह होगा। 46 बिलियन बल्कि मैं कहता हूं तो ऐड ऑन लगा दे तो शायद 60 बिलियन की बात नहीं है सर, खाली नहीं, पैसे नहीं, नहीं उसमें देखिए उसमें जो इसके जो इसके बाद जो डेवलपमेंट होगी, इंडिया जब देखता है पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्ट्रांग है अल्लाह के फजल से, हम मिलिटरली बहुत स्ट्रांग है, न्यूक्लियर मिसाइल पावर है, वॉर इज नो लॉन्गर एन ऑप्शन, हमारे इलाके में वॉर नहीं हो सकती। इंडिया भी जानता है इस चीज को, उनके रिपरकशन जानता है कि यहाँ पे एक न्यूक्लियर वॉर जो है इट मैड, जो भी सोच रहा है इसके बारे में गलत सोच रहा है। और इसका एक ही तरीका है कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए। इंडिया अपनी प्रॉब्लम है, जैसे जैसे हमारी इकानमी ऊपर जा रही है सारी दुनिया कह रही है, मूडीज ले लें जो भी दुनिया की स्टैंडर्ड एंड पुअर की ले लें, आप रिपोर्ट ले लें, वर्ल्ड बैंक ले लें, तो अभी इंडिया की इकानमी मुझे ऐसा लगता है कि सेनेटर साहब जो है ना वो बता नहीं पा रहे कि क्या करना चाहिए इनकी। तो एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। सैयद तारिक अजीम साहब अपने साथ टाइम्स ऑफ लंदन का एक अखबार का टुकड़ा, एक अखबार की अखबार लेकर आए हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है, जिसमें आप देखते हैं कि नवंबर 1971 में जंग शुरू होने से पहले टाइम्स के रिपोर्टर्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं मसलसल कि हिंदुस्तान की फौज के रेगुलर यूनिट्स बंगाली गोरिल्लास के ड्रेस में पाकिस्तान के फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, वहाँ पे स्लाइसेस ऑफ टेरिटरी को कैप्चर कर रहे हैं, उसको सिविल वॉर शो किया जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की बाकायदा फौज जो है वो गोरिल्लास बनकर वहाँ पे है, वो बंगाली गोरिल्लास बनी हुई है। मुझे पता नहीं कि इससे सेनेटर साहब इस वक्त साबित क्या करना चाह रहे हैं, जल साहब भी सुन रहे हैं, जाट चौधरी साहब भी सुन रहे हैं, सर बॉटम लाइन आपकी क्या है? अखबार तो बिल्कुल सही आपने कि उनको आज हिम्मत हुई सच बोलने की 44 साल के बाद कि हमने ये किया था, हरकत की थी। आज हम इनसे कह रहे हैं कि ये भी आज सच बोलें कि जो आप बलूचिस्तान में और बाकी पाकिस्तान में बलखसूस कराची में कर रहे हैं, हमारी दहशतगर्दी में हवा दे रहे हैं इनको, उसको आज माने और खुदारा इसे बाज रहे, बिकॉज इससे इलाके में जो है अमन की। ये तो फिर आप इजाज़ चौधरी साहब के आर्गुमेंट को खुद सपोर्ट करें, वो यही तो कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत जो है उसने चूड़ियां पहनी हुई है और जब से आपकी हुकूमत आई है आप डील ही नहीं कर पा रहे इंडिया के साथ। कैसे उनके साथ जब आप उनसे पूछते हैं कि हम अटैक कर रहे हैं इंडिया को मानते नहीं, तो स्ट्रांग पोजीशन तो आपने लेनी है। स्ट्रांग पोजीशन तो हमारी स्ट्रांग पोजीशन है, जो भी इंडिया करेगा तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा, जैसे दिया गया सियालकोट में उन्होंने किया, कश्मीर में किया, हमारी फौजों ने उसका जवाब दिया, इंशाल्लाह आइंदा भी जवाब देंगे। जनरल साहब आर यू सैटिस्फाइड बाय सेनेटर साहब रिस्पॉन्स?
मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा एक नया एंगल देता हूं कि ये क्राइसिस जो है पॉलिटिकल क्राइसिस पूरे इंडिया का है, पूरे सब कॉन्टिनेंट का है, जिसमें पाकिस्तान भी शरीक है। नवाज शरीफ साहब एक पैराडाइम लेके आए थे और करण थापर के साथ जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई थी वो आपको याद होगी सर जी, बिल्कुल, कि मुझे तो मैंडेट मिला है इंडिया के साथ दोस्ती का, जबकि कोई मैंडेट नहीं मिला था, ये झूठ था। फिर कहा कि आलू गोश्त तुम भी खाते हो, आलू गोश्त और कायदे आजम की टू नेशन थ्योरी को पूरी तरीके से उन्होंने दफन करने की कोशिश की थी, और ये मुस्लिम लीग के वारिस कायदे आजम के जो जानशीन अपने आप को मानते हैं। चुनाचे इनका थीसिस भी गलत हो गया। नरेंद्र मोदी लेके आया था हिंदुत्वा, आर्टिकल 370 कश्मीर में वो खत्म करना, और दूसरा ये कि मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन करूंगा, वो मैं कॉरपोरेट अमेरिका को इनवाइट करूंगा और मैं कैपिटलिज्म के साथ चला जाऊंगा, जबकि खुद एक भूखा नंगा चाय बेचने वाला आदमी था तो वो कैपिटलिज्म के साथ। और इंडिया का जो शिफ्ट लाए वो फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म, जो नेहरू का फलसफा था, उसको रिवर्स करने की कोशिश की, तो दोनों ही नाकाम हो गए। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये पैराडाइम शिफ्ट। नवाज शरीफ साहब भी अपना पैराडाइम साबित ना कर सके, नरेंद्र मोदी भी साबित नहीं कर सके। एजाज चौधरी साहब आपको क्या समझ आई? देखिए मुझे तो ये समझ आई है कि तारिक साहब ने बिलाखिर जो मैं अर्ज करना चाहता था उसे आपके सामने तस्लीम कर लिया कि कराची के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर और दीगर जगहों पर भारत पूरी तरह अपनी कार्रवाइयाँ कर रहा है, और ये ज़र्ब अज़ब और उसके बहुत देर बाद कराची का ऑपरेशन, ये तो चंद माह की बात है। और डॉक्टर साहब आपसे ज़्यादा कौन जानता है कि ये ऑपरेशन किस तरह और किन कुव्वतों की वजह से शुरू हुआ। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी सियासी हुकूमत की जो जिम्मेदारी है कि मसलन एक बात की ना कि हमें अक्वामे मुत्तहदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर का मसला हल करना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि इस बात को पूरे जोर से कहना चाहिए। भारत अपनी वापस चला जाएगा बिल के अंदर जब आप ये पूरी बात करना शुरू करेंगे और कश्मीर के इशू को आप बैक बर्नर से फ्रंट पे ले आएंगे, तो भारत को भी पता चलेगा कि उसके लिए क्या मुश्किलात हैं। और फिर वो जो बात हम करते हैं ना, हम जंग नहीं करना चाहते, जंगों से हमें क्या हासिल हुआ है, हम भी चाहते हैं कि हम पूरी तरह मुस्तैद होकर भारत के इन हथकंडों का जवाब देने की सलाहियत रखते हो। अच्छा जरा मेरे साथ रहिए। बेसिकली आसान अल्फाज में जनरल साहब भी और एजाज चौधरी साहब भी ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी मासूमियत की वजह से, लाइलमी की वजह से इस खत्ते की सूरत हाल और इसके स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस को समझ नहीं सके। वो एक गलत डायरेक्शन में जाना चाहते थे 2013 के अंदर और मूव भी नहीं कर सके फिर उस डायरेक्शन में। आप देख लें कि हिंदुस्तान की तरफ से उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, उन्होंने बहुत मुखालफत बनाई, मुखालफत अपनी जगह पर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं नई बात नहीं कर रहा। हमारे जो गलत साबित करें ना जी, सियासी लीडर है हमारे, आज कह रहे हैं हम, हमारी लीडरशिप ने, मिलिट्री लीडरशिप ने कही है कि रॉ जो यहाँ पे एक्टिव है, आपने आज सुना है, इजाज साहब ने शायद आज सुना हो, इससे पहले हम कह चुके हैं, हम बारहा कह चुके हैं, हम हैंडल कर रहे हैं उसको, ज़र्ब अज़ब भी है, हमारे लोग अपनी जानों की निशाना दे रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो कुछ करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए, हम चाहते हैं, देखिए आज भी हम चाहते हैं कि यहाँ पे अमन हो, और हम जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि लड़ाई जो है ऑप्शन नहीं है, हम दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, लड़ाई में किसी का फायदा नहीं होगा, हम चाहते हैं अमन हो, लेकिन अमन इसलिए नहीं कि हम झुकना चाहते हैं उनके आगे, हम ये चाहते हैं कि अगर उन्होंने किसी किस्म की एडवेंचरिज्म की तो बखूबी वो जानते हैं उसका जवाब क्या होगा, उनको नुकसान हमसे बहुत ज्यादा होगा। इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, साड़ियां नहीं भेजेंगे, नहीं जी साड़ियां, देखिए देखिए अब इसको छोटी छोटी बातों साड़ियां, ये तो एक भाई एक मुझे अफसोस है कि आप भी इस लाइन पे सोचने लगे कि भाई अगर एक आदमी को गिफ्ट किसी को देता है जो कि आम होता है, वो भी भेजते हैं, दुनिया को भेजते हैं, सारी दुनिया में एक्सचेंज गिफ्ट्स होते हैं, उसका मतलब ये है कि आप उनके साथ जो है लड़ाई कल लड़ने जा रहे हैं या आप लड़ाई नहीं लड़ना चाहते उनके साथ, भाई देखिए ये तो छोटी सी बात है। जन साहब योर लास्ट वर्ड, ये घड़ियों और साड़ियों के तोहफों से मसला हल नहीं होने लगा बड़े सगीर का? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। मेरा ख्याल है कि अभी जो गिफ्ट जरूर भिजवाए उनको, कोई अरज नहीं गिफ्ट भिजवाने जैसे ये कह रहे हैं, लेकिन वो खंजर हिलाल का है, कौमी निशान वाला एक खंजर भिजवाते हैं, मेरा ख्याल है कि वो एक अच्छा गिफ्ट होगा उनके लिए, हमारे झंडे के ऊपर भी है वो खंजर। हम साड़ी भेज सकते हैं, हम दूसरी चीजें भी भेज सकते हैं जनरल साहब, आपको भी पता है। ओ,
वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया, जनाब हमीद गुल साहब का, जनाब सेनेटर तारिक अजीम साहब का, और इसी तरह एजाज चौधरी साहब का हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये एक मुअम्मा है, ये मुअम्मा उधर ही है कि भारत इस मौके पे इस वक्त ये टेंशंस को क्यों रैचेट अप कर रहा है। कल भी हम अपने प्रोग्राम में इसी चीज़ को उठाएंगे। बहुत से सर्कल्स के कहते हैं कि एक जुलाई थ्योरी भी है कि भारत एक जुलाई के आखिर तक इन टेंशंस को बढ़ाएगा। उसका मकसद है कि पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर ब्रिंक्समैनशिप पे मजबूर करे और दुनिया के सामने ये दिखाए कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियरली इररिस्पॉन्सिबल कंट्री है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को बड़े एहतियात से एग्जामिन करने की ज़रूरत है कि नरेंद्र मोदी सरकार की इंटेंशंस क्या हैं और उनको ये सिग्नल कहाँ से आ रहा है। भारत में खुद एतमादी इतनी नहीं है कि तन तनहा बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पैराडाइम जो है उस पर एक्ट कर सके। उसको यकीनी तौर पर कहीं से कोई पुश, कहीं से कोई सिग्नल भी आ रहा है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया।